गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो गुंडों को, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो गुंडों को। जस्टिस हुई वोट, जस्टिस तमाम जितने भी जर्नलिस्ट आप देख सकते हैं यहाँ सरापा एहतजाज, उन्हें मारा गया। फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी जिसे कहा जाता है, जर्नलिस्ट को आज उसी के साथ जो है मारपीट गुंडागर्दी की गई, सिर्फ इसीलिए उन्हें मारा गया। उनका ये उन्होंने गलत के खिलाफ आवाज उठाई और आज जब गलत के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है तो उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और हम ये चाहते हैं जल्द से जल्द उन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उन पर FIR होनी चाहिए और उन्हें जो है सलाखों के पीछे डालना चाहिए। और अगर जल्द से जल्द ऐसा नहीं हुआ तो ये प्रोटेस्ट जो है आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कल स्टेट में होगा, परसों नेशनल लेवल पे ये प्रोटेस्ट जो है जारी रहेगा। जो एक्ट है ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर माना जाता है जर्नलिज्म को, जर्नलिस्टों को। और आज देखिए कि एक आवाज उठाने वाले जो लोग आवाज उठाते हैं गरीब लोगों की, आम पब्लिक की, आज उन वो लोग ही सेफ नहीं है। आज उन लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं। और हमारा एक जर्नलिस्ट भाई इमरान खान थाना मंडी से, उसके ऊपर एक जानलेवा हमला होता है। और रीजन सिर्फ इतना है कि उस इंसान ने एक सच की आवाज उठाई, उस इंसान ने एक सच बताया कि 5-6 घंटे जो लोग जाम में फंसे रहते थे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की वजह से, जिनके काम के डिले करने की वजह से, उस एक सच की आवाज उठाने पर उसको जानलेवा हमला किया गया उसके ऊपर। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस से हमारी ये दरख्वास्त रहेगी कि इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इन लोगों को जल्दी से जल्दी अरेस्ट